हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे, है ना? वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 1, नोइंग आवर नंबर्स। हमें अपने नंबरों के बारे में क्या क्या पता है वो हम डिस्कस करेंगे। बेटा क्लास 6 है, नॉन कोचिंग है। ओके, तो नॉन कोचिंग के अंदर हमें चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करना है। तो एक्सरसाइज 1.1 हमारी क्या कहती है? यूज द गिवन डिजिट्स विदाउट रिपीटेशंस एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। हमारे पास डिजिट गिवन है, हमारे पास 4 डिजिट गिवन है और उन डिजिटों के सहारे हमें अपनी कोई भी डिजिट को रिपीट नहीं करना, 1 by 1 डिजिट लिखनी है और उसके अंदर एक नंबर तो हमें सबसे बड़ा बनाना है और एक नंबर सबसे छोटा बनाना है। तो अब हमारी डिजिट क्या है? फर्स्ट के अंदर 2, 8, 6, 3, इस डिजिट को लेकर हमें एक नंबर ग्रेटेस्ट और एक नंबर स्मॉलेस्ट बनाना है। तो मैं स्मॉलेस्ट बना लेती हूँ पहले, स्मॉलेस्ट नंबर। तो बेटा स्मॉलेस्ट नंबर में सबसे छोटा नंबर, मुझे सबसे छोटा नंबर आगे, फिर उसके बाद छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ऐसे लिखने होता है। लेकिन ये हमारी डिजिट है, ये हमारा नंबर है, नंबर के बीच में कोमा नहीं लगाएंगे। डिजिट में हमेशा कोमा लगता है, डिजिट का मतलब ही होता है कि एक डिजिट उसके बाद कोमा, फिर दूसरे डिजिट, फिर कोमा, फिर तीसरे डिजिट, फिर कोमा। लेकिन इस नंबर के अंदर हम कोमा यूज नहीं करेंगे। ओके, तो सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है? 2 है, 3, 6 या 8? तो सबसे छोटा कौन सा है बेटा? 2। फिर कौन सा है? 3। फिर कौन सा है? 6। और फिर कौन सा है? 8। तो हमारे ये नंबर क्या बन गया? 2368। अब मेरे पास ग्रेटेस्ट नंबर देखते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर में इसका उल्टा सबसे पहले बड़ा नंबर, तो 8, 6, 3 and 2। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट कैसा है वो देखो। सेकंड भी डिजिट दी हुई है 4, 7, 6, 9। तो इसके अंदर स्मॉलेस्ट, जो स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा वो कौन सा बनेगा? 4 से शुरू होगा, 4, 6, 7, 9। और जो ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा वो कौन सा बनेगा बेटा? 9, 7, 6 and 4, ये वाला। ठीक है, अब मेरे पास थर्ड क्वेश्चन कहता है 5, 4, 0, 8। अब मुझे इसका स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो स्मॉलेस्ट नंबर में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 0 है। लेकिन बेटा अगर मैं सबसे आगे किसी नंबर में 0 लिख देती हूँ तो क्या वो 0 काउंट होती है नंबर में? नहीं होती। इसलिए हम 0 को आगे नहीं लिखेंगे, 0 को बीच में लिखेंगे, ताकि हमें कौन सी डिजिट, कितनी डिजिट बनानी है? 4 डिजिट बनानी है। और अगर मैं 0 आगे लिख दूंगी, इस तरह से लिखूंगी, तो 4 डिजिट नहीं होंगी, ये सिर्फ 1 ही डिजिट है, ये 2 डिजिट नहीं है, ये 1 डिजिट है। तो इसलिए मैं 0 को आगे ना लिख के 0 को कहाँ लिखेंगे? इसके पीछे। तो कौन सा आएगा पहले पे? 4, फिर 0, फिर 5 और फिर 8। अब इसके अंदर ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा? तो ग्रेटेस्ट में 8, 5, फिर उसके बाद 4 और उसके बाद 0। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है वो देखो। सेकंड क्वेश्चन ने कहा है कि सोहन एंड रिशु वेंट टू बाय एन अलमीरा। सोहन और रिशु कोई दो नाम के दो बच्चे हैं, उन्होंने अपनी अलमीरा खरीदी दुकान पे जाके, और 4-5 अलमीरा थी और उनका अलग अलग प्राइस था। ठीक है, तो आपकी बुक के अंदर ये जो प्राइस है ये सेम लिखा हुआ है बेटा, वो सेम नहीं है। उस प्राइस को मैं आपको लिखवा देती हूँ, वो लिख लेना प्राइस, वो बाय मिसप्रिंट गलती से हो गया होगा एक प्राइस। ठीक है, तो ये प्राइस अलग अलग है। तो प्राइस क्या गिवन है वो देखते हैं। सेक्शन 3, 5, 6, दूसरा प्राइस है 3, 9, 7, 5, तीसरा प्राइस है 2, 8, 5, 4, थर्ड प्राइस, फोर्थ प्राइस है 7, 8, 8, 0 एंड नाउ लास्ट 8, 9, 7, 5। ये 5 प्राइस हैं। आपके पास दुकान में गए और आपने 5 अलमीरों के जो रुपए है वो इस तरह से दिए हुए हैं, तो आपको एक बार तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, एक बार डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला दिया हुआ है अरेंज देयर प्राइजेस इंक्रीजिंग ऑर्डर।
कौन से ऑर्डर में? इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा बेटा? सबसे पहले ये आएगा, सबसे छोटा। इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ना, ठीक है, इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ना होता है। मान लीजिए 3 स्टूडेंट खड़े हैं, एक इतनी हाइट का है, दूसरा इतनी का, तीसरा इतनी का, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले कौन सा खड़ा करेंगे? छोटे वाला, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ना होता है। तो सबसे पहले ये वाला, यानी कि 2, 8, 5, 4, उसके बाद ज्यादा कौन सा है? ये वाला 3, 9, 7, 5, उसके बाद ये वाला 6, 3, 5, 6, उसके बाद 7, 8, 8, 0, उसके बाद 8, 9, 7, 5। अब मेरे पास आता है डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग। अब मेरे पास है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर हमें इसके उल्टा लिखना है, पहले बड़ा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है, यानी कि घटते हुए में लिखना है। तो अब क्या लिखेंगे? 8, 9, 7, 5, 7, 8, 8, 0, 6, 3, 5, 6, 3, 9, 7, 5, and 2, 8, 5, 4। ये हमारा क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही बेटा। HW है आपका, डू एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 and 2 इन योर नोटबुक एंड टेबल, लर्न टू 11 to 15। ये आपका HW है, ओके? तो बेटा आपको अपना काम ध्यान से करना है, अच्छे से करना है। अगर कोई दिक्कत होती है तो हम दोबारा से डिस्कस करेंगे, किसी भी टाइम आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं, ओके? थैंक यू बेटा, बाय।